हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल। लेट्स डिस्कस फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 28 करने जा रहे हैं। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। तो आइए, जैसे कि ये वर्कशीट आपका 28 है। नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम भरिए, नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर का नाम भरिए। तो ये क्या, मानव में वहन, तो अन्य बहुकोशिकीय जीवों की भांति मानव को भी भोजन, ऑक्सीजन आदि की जरूरत होती है। जैसा कि मानव को जीवित रहने के लिए, मानव शरीर को सुसंगठित तरीके से चलाने के लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है ना नीड होती है। जैसे भोजन की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार जो है ना मानव में जो है ना वहन तंत्र भी होता है। जैसे हृदय में हृदय, रुधिर वाहिका और रुधिर व लसिका है। तो वहन तंत्र हमारा पंप होता है और रुधिर वाहिका धौनी शिरा व कोशिकाएं होती है, और रुधिर व लसिका संवहन का माध्यम होती है। अब देखिए, इसका हम धौनी और शिरा में दे जो है ना दोस्तों, एक एक करके हम धौनी और शिरा में अंतर को हम देखेंगे। इसका आंसर में है तो उससे हम क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, हृदय, हृदय यह एक पेशी अंग है और यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। और मानव हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, जैसे दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय और बायां अलिंद होते हैं। तो इसका भी हम जो है ना इस फिगर का भी क्वेश्चन का आंसर में देख लेंगे। अब देखिए, यहाँ आपको रुधिर में जो है ना रुधिर और ठोस, इसमें रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, इसका भी हम क्वेश्चन का आंसर में देख लेंगे। लसिका क्या होता है, लसिका देखिए, ये आपका लसिका है। लसिका यह एक ऊतक तरल है जो रुधिर कोशिका से निकलकर अंतर कोश के काश में जाता है, और यह रुधिर के प्लाज्मोडियम प्लाज्मा की तरह है। तो इसको क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसे एक एक करके हम जो है ना क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, मानव हृदय का नामांकित चित्र आप इसे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देख लीजिए इसे आपको अच्छे से बनाना है, इसी लेकर के मैंने बहुत बेहतर फिगर आपको दिया, क्योंकि इस वर्कशीट में दिखती नहीं रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आपको अच्छे तरीके से बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन सेकेंड है, ध्वनि और शिरा में अंतर लिखिए। तो ध्वनि और शिरा में आपको आज बहुत अच्छे से मैंने आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश किया। तो देखिए, ध्वनि ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं, और अपवाद फुसफुस ध्वनि है, जबकि शिरा में शिराएं विभिन्न अंगों से अनोक्षीकृत रुधिर है एकत्र करके अब वापस हृदय में लाती है, और अपवाद फुसफुस शिरा है। ध्वनि की भित्ति मोटी व रुधिर लचीला होती है, जबकि शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। और बाल्ब नहीं होते हैं ध्वनि में, जबकि बाल्ब शिरा में होते हैं। और ध्वनि में ये सतही नहीं होते हैं, उनकी नीचे पाई जाती है, जबकि शिरा में यह सतही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, रुधिर के अवयवों के कार्य लिखिए। तो देखिए दोस्तों, रुधिर के अवयवों का कार्य आपको ऐसे लिखना है। रुधिर के अवयव क्या कौन कौन से, पहला तो दो अवयव है, एक ठोस अवयव और द्रव्य अवयव। तो रुधिर में जो है ना दोस्तों, एक रुधिर कणिका होती है, एक प्लाज्मा होती है। रुधिर कणिका में लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स और श्वेत रक्त कणिकाएं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवी आए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे किसी न किसी सेट में। तो आपको इसको बेहतर तरीके से करना है। लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी कहते हैं, आरबीसी ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वहन करती है, और एचबी रुधिर को लाल रंग देती है, और हीमोग्लोबिन मानव में श्वसन का वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, जबकि प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। जैसा कि किसी भी इंसान का देखा होगा दोस्तों आपने, जो रुधिर का थक्का जो है ना, जब क्या कट जाता है, किसी भी निशान आ जाता है, कट जाता है, तो जो है ना क्या होता है, रक्त गिरता रहता है। तो उस समय क्या होता है, उसके रुधिर रक्त का थक्का जो ना प्लेटलेट्स की वजह से ही बनता है, तब उसका ब्लड बहना रुकता है। ठीक है, अब श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, शरीर को रोग मुक्त करने के लिए, ये हमें बीमारी से लड़ने के लिए की क्षमता देती है। और हमारे शरीर में जो जिस तरह से अभी कोरोना वायरस चला है, तो कोरोना वायरस का जो कीटाणु वो वायरस है, उससे लड़ने की क्षमता हमें श्वेत रक्त कणिकाएं देती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक जो है ना हमारे शरीर का अभिन्न बहुत अच्छा अंग है। पीले रंग का तरल माध्यम होता है, जिसमें रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती है, और यह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पदार्थ वर्ज्य पदार्थ का
विलीन रूप में वहन करती है। अब हम क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम क्या, क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर पहले थर्ड देखते हैं, उसके बाद फिर हम फिफ्थ देखेंगे। नहीं, पहले हम फिफ्थ ही देख लेते हैं। आइए देखिए, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में है क्या। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लसिका क्या है। लसिका का आप डायरेक्ट यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। फिफ्थ का लसिका, लसिका यह एक ऊतक तरल है जो रुधिर कोशिकाओं से निकलकर अंतर कोशिकाय अवकाश में आ जाती है, और यह रुधिर के प्लाज्मा प्लाज्मा की तरह है, और लेकिन रंगहीन है, और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। मतलब लसिका में छोटे मात्रा में प्रोटीन होता है, कम मात्रा में, और यह ऊतक से प्रवाहित हो संवहन में व शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। इस प्रकार यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में एक तरह महत्वपूर्ण भूमिका वहन करती है। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। दोस्तों फोर्थ क्या है, कारण बताइए। धौनी की भित्ति मोटी होती है और शिरा में बाल्ब होते हैं, कारण बताइए। तो इसका मैंने आपको आंसर लिख रखा है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, धौनी के रुधिर वाहिका है जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, और रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है, और यही कारण है कि धौनी की भित्ति मोटी होती है, मोटी तथा लचीली होती है। और बाल्ब क्यों होते हैं, क्योंकि शिरा में बाल्ब इसीलिए होता है क्योंकि उसमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए दोस्तों बाल्ब होती है। तो आइए इसे एक एक करके हमने समझ लिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आप जो है ना वेट किया कीजिए, जैसे ही आता है मैं आपका सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाता हूँ, आपके वर्कशीट को, और बेहतर तरीके से आपको एक प्रॉपर आंसर देना चाहता हूँ, ताकि आपको ऐसा फॉल्स तो मैं आंसर दूंगा नहीं, तो इसीलिए करके आप जो है ना वेट किया कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है ना क्या होगा, आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।